नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को IRB रिक्रूटमेंट 2019 के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि इसका फॉर्म कहाँ पे मिलेगा और इसको किस जगह पर सेंड करना है और साथ में इसको फॉर्म को भरना कैसे है उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि फॉर्म को सेंड कहाँ पर करना है और कौन से लोग आवेदन कर पाएंगे और साथ में आप लोगों को फॉर्म भरना कैसे है और कैसे भेजना है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे ट्रेड्समैन के लिए वैकेंसी आई थी और साथ में GD यानी जनरल ड्यूटी के लिए, और इसमें मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे ऑल इंडिया से। साथ में इसमें सैलरी बताई गई है 5700 रुपये से लेकर 24000 रुपये और 2100 रुपये का ग्रेड पे आपको अलग से मिलना है। यहाँ पर वैकेंसी 1488 निकल के आ रही है, आप लोग डिपार्टमेंट देख सकते हैं। राइफलमैन जनरल ड्यूटी के लिए 1013 टोटल वैकेंसीज हैं और यहाँ पर ट्रेड्समैन की बात करें तो कुक वाटर कैरियर वार्बर धोबी स्वीपर के लिए 105 और यहां पे नेक्स्ट में आप लोग देख पाएंगे राइफल जनरल ड्यूटी के लिए 337 यहां पे UR कैंडिडेट, और उसके अलावा यहां पे आप लोग देख पाएंगे वही सेम पोस्ट है और 33 अलग से वैकेंसीज हैं UR कैटेगरी के लिए, और इनको अगर टोटल को काउंट किया जाए तो आपको बता दें कि यहां पर आप लोग देख भी पाएंगे 1488 टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है निकल के आई हुई है। उसके बाद आप सभी को यहां पर देख लेना है अपने अपने स्टेट वाइज और उसके अलावा आपको फिल करना है फॉर्म को। एड्रेस वगैरह मैं सभी चीज़ें बता दूंगा और सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मैंने पहले भी दे दी है। आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, राइफलमैन GD के लिए केवल 10वीं पास यानी मैट्रिकुलेशन बोला गया है और साथ में यहाँ पे ट्रेड्समैन के लिए भी मैट्रिकुलेशन 10वीं पास बोला गया है और साथ में कुछ एक्सपीरियंस वगैरह मांगा गया है, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। कुछ फिजिकल चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको पहले बता दी है। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेबस के बारे में बात करी गई, तो अगर आपको सिलेबस चाहिए तो इसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो पर्टिकुलर बना दूंगा। उसके अलावा चलिए ये देखिए, यहाँ पे एक एड्रेस रहा आपको फॉर्म को सेंड कहाँ पे करना है, तो ये रहा एड्रेस। आपको इसका नोटिफिकेशन का लिंक भी मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 9 मार्च 2019 से लेकर 8 जून 2019 के बीच में आपको फॉर्म को सेंड करना है और आज है अभी 2 अप्रैल, यानी आपके पास बहुत सारा टाइम बचा हुआ है। रिक्रूटमेंट यहाँ पे फीस देख सकते हैं 100 रुपये जनरल कैटेगरी वालों के लिए और 50 रुपये जो कि ST SC या फिर BPL कार्ड होल्डर हैं तो उनके लिए केवल 50 रुपये रखा गया है। और आप सभी को ये जो इंडियन पोस्टल ऑर्डर यानी कि IPO द्वारा इसका ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा और उसी से आपको सेंड करना होगा। तो चलिए चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में जो कि आपको सेंड करना है। ये देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे अपनी एक पासपोर्ट साइज की फोटो लगाना है और फोटो के साइज यहाँ पे 3.5x4.5 cm बोला गया, तो आपको जाके वहाँ पे फोटो खिंचानी है और फोटोग्राफर से बोलना है कि 3.5x4.5 cm का हमको फोटो खींच के दीजिए पासपोर्ट साइज। और सेल्फ अटेस्टेड बोला गया है, यानी कि आपको क्रॉस सिग्नेचर करना होगा। क्रॉस सिग्नेचर का मतलब ये होता है कि जब आप फोटो लगा देंगे तो आधा सिग्नेचर यानी कि आधे हस्ताक्षर आपके फोटो के बाहर होंगे और आधे हस्ताक्षर आपके फोटो के अंदर होंगे, तो आपको ये काम कर देना है। उसके बाद यहाँ पे डू नॉट स्पेल फोटो कहा गया है कि आपको एक चीज और ध्यान रखिएगा, 3 फोटोग्राफ्स आपको लिफाफे के अंदर जो कि आपको सेंड करना है वहां पे डाल के भेजना होगा। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ पोस्ट भी ट्रेड अप्लाइड, तो यहाँ पे जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए नेम ऑफ पोस्ट यानी पोस्ट ट्रेड्समैन की हो गई और उसके अंदर जो आपका ट्रेड होगा वो हो गया, मान लीजिए कि धोबी का है या फिर बार्बर का है या फिर वाटर कैरियर का, जो भी हो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद सेकंड नंबर पर फुल नेम अपना लिखना है ब्लॉक लेटर्स में, और उसके बाद फादर्स का नेम लिख देना है और अपना परमानेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन यानी 10वीं पास, और रिलीजन यानी कि धर्म पूछा गया, हिंदू है मुस्लिम है जो भी है। और उसके अलावा अगर आपके पास प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंस इफ एनी, अगर कोई भी एक्सपीरियंस है उसका लिख देना है। और यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी में अगर आप लोग आते हैं तो डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा, जैसे SC ST गोरखाज और गरवालीज यहाँ पे बोला गया है, और उसके अलावा अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो भी। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा फीस पैड जो कि आप IPO द्वारा फीस जो पेमेंट करेंगे उसका नंबर डाल देंगे डेट के साथ, और ध्यान रखिएगा इसकी कॉपी फोटो कॉपी करा के आपको इस लिफाफे में डाल के सेंड कर देनी है। उसके अलावा यहाँ पे डिक्लेरेशन के लिए बोला गया, यानी कि सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे कहा गया कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल सही है
और यहाँ पे अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत होती है तो आपका जो फॉर्म होगा वो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यानी अपना साइन करना है, जिस भी प्लेस से आप लोग भेज रहे हैं यहाँ पे लिख देना है, और जिस भी डेट को आप लोग सेंड कर रहे हैं यहाँ पे डेट डाल देनी है। तो इस फॉर्म को आपको किसी भी कंप्यूटर पर जाके निकलवा लेना है और हाथ से अपने भर के, और ये वाला जो कि मैंने आपको एड्रेस बताया है यहाँ पे, इस एड्रेस पर आपको फॉर्म को सेंड कर देना है। एड्रेस को एक बार और देख लीजिए, इतना एड्रेस आपको लिफाफे के ऊपर लिख देना बिटपिन कोड के साथ, और सीधे अपने हेड ऑफिस में जाके जहां भी पोस्ट ऑफिस है वहां से आपको सेंड कर देना है 8 जुलाई से पहले। उम्मीद करता हूं कि वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप लोग दूसरी वाली वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। और अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, आगे अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।